तो बेसिकली एक आर्ट ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज है जिसको हम एक व्याख्या में एक डेफिनेशन में बांध नहीं सकते हैं। ये बहुत ज्यादा वास्ट चीज है जिसको हम ऐसा कंप्रेस्ड करके छोटे से डिब्बे में नहीं रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा थिंकिंग होता है कि अगर हम आर्ट, ये अगर उनके दिमाग में अगर बोला जाए तो उनके दिमाग में एक छवि आती है कुछ अजीब सी पेंटिंग वगैरह जो उनको कभी समझ नहीं आती है। वो बोलते भी है यार मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। और दूसरे वो टाइप के लोग होते हैं, अगर आपने किसी सेलिब्रिटी का ये किसी भी इंसान का एज इट इज सेम टू सेम चेहरा बनाया तो उसको बोलते हैं वाह भाई क्या बात है, क्या आर्ट बनाया है, राइट? ऐसा उनका थिंकिंग होता है और उसी को वो पूरा आर्ट का एक मतलब पूरी वास्ट जो भी है वो आर्ट उसको ही सब कुछ वो समझ लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है आम लोगों की। ये बहुत ही ज्यादा छोटा सा पार्ट है, ओके? जो सेम टू सेम एज इट इज बनाते हैं या जो भी आपकी थिंकिंग है, वो जहां से आपकी थिंकिंग खत्म होती है वहां से आर्ट स्टार्ट होती है, ऐसा मैं कहूंगा। मतलब ये एक जैसे कि यूनिवर्स है ना, जिसको किसी ने पूरा देखा नहीं है, जो हमारी कल्पना से भी परे है, वैसा एक आर्ट है। जितना हम उसमें डीप घुसते जाते हैं वो उतना आगे बढ़ता जाता है। आर्ट बेसिकली किसी के लिए मेडिटेशन का काम करती है, किसी के लिए मेडिसिन का काम करती है, किसी के लिए वो लाइफ है, किसी के लिए वो प्यार है, किसी के लिए वो पूरी जर्नी है, ओके? और किसी के लिए वो एक जस्ट अचीवमेंट है उस सेटिस्फैक्शन को पाने की। दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको आर्ट पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यार मेरे तो इस सबसे ऊपर जाता है, मेरे को पेंटिंग वगैरह कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, बट उस इंसान को भी आर्ट पसंद होती है क्योंकि आर्ट बस पेंटिंग तक सीमित नहीं है। संगीत, डांस, एक्टिंग, म्यूजिक, बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी आर्ट का ही एक पार्ट है। वो एक रास्ते है उस कला को अचीव करने के, अलग अलग रास्ते है। इसको मैं बहुत सुंदर से ऐसे उदाहरण के तौर पे आपके सामने पेश करूंगा जो मैंने एक इंस्टाग्राम के राइटअप में भी लिखा था। तो ये ऐसा है जैसे कि इमेजिन कीजिए मेरे को एक कोई सपना आया या एक कोई ख्याल आया जिसमें मैंने एक सुंदर सी अप्सरा को देखा है, ओके? या किसी भगवान की मूर्ति को देखा या भगवान का एक रूप मैंने देखा, ऐसा जस्ट इमेजिन कोई भी एक कैरेक्टर। तो उसको सबसे पहले मैंने इमेजिन किया कि उसका सौंदर्य कैसा है, रूप कैसा है, ये सारी चीजें। इमेजिनेशन सबसे पहली कला होती है, नोट कीजिए। उसके बाद तो फिर मेरे को उस इमेजिनेशन को किसी को बताना है, जताना है, एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेशन ये होती है सेकेंड कला, मतलब आपकी भावना आपको किसी को बतानी है, ओके? सबसे पहले इमेजिनेशन, देन उसके बाद आपके मन में भावनाएं आई, ये दूसरी कला होती है। फिर आपको उसको किसी को जताना है, जैसे कि मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मुंह से, मौखिक, ओके? तो ये होता है स्पीच, मतलब किसी को आप समझाते हैं, ओके? तो फिर मुझको लगा कि अगर मैं स्पीच से इतना एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, काश मैं उसको राइटअप में लिख के सेव कर पाता। तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर सुंदर सी किताब रख ली, राइट? तो मैंने उसके ऊपर बहुत सुंदर से जो भी मेरे दिमाग में उसके ख्याल आ रहे थे वो सारे मैंने राइटअप में ऐसे लिख के बड़ी सी ऐसी किताब बना ली। फिर मेरे को लगा ये बहुत लंबी है, बहुत लंबा है, काश मैं इसको कम शब्दों में एक्सप्लेन कर पाता। फिर मैंने क्या किया, बहुत सुंदर शब्दों में उसकी एक कविता बना दी, उसके वर्णन पे बहुत सुंदर से ऐसी मैंने कविता रच दी। फिर मुझको लगा इसमें कुछ तो कमी है, काश मैं इसको और भावनाओं से बता पाता। तो फिर मैंने क्या किया, उसी कविता को संगीतबद्ध किया, मतलब उसमें मैंने म्यूजिक ऐड किया और उसका एक गाना, सुंदर सा गाना रचा दिया और उस गाने को मैंने गाया, राइट? तो ये हो गई संगीत की कला, मतलब म्यूजिक गाने की कला, राइट? फिर मैंने क्या किया, उसी गाने को मैंने जो वो अप्सरा जैसे डांस करती थी उसका मैंने वर्णन अपने डांस से जो शास्त्रीय नृत्य होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर मैंने अभिनय के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो फिर ये सारी चीजें करते हुए मुझको ख्याल आया, काश मैं आपको दिखा पाता कि मैंने क्या देखा था उस कल्पना में, मैंने इमेजिनेशन में उस अप्सरा को कैसे देखा था। तो फिर मैंने क्या किया, उसका एक सुंदर सा पेंटिंग बना दिया, उसमें कलर्स ऐड किए, मैंने अपनी एक्सप्रेशन को, अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो फीलिंग्स है, जो मेरे थॉट्स आए थे वो सारे उस कलर्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपको फील कराया उस चीज को, अब आप उसको देख भी सकते हैं। फिर मुझको लगा यार बस यही नहीं रुकना चाहिए, काश मैं इसको टच कर पाता या किसी को और को छूने की मैं अनुमति दे पाता। तो फिर मैंने क्या किया, उसी को, उसी पेंटिंग के आधार पे मैंने उसका 3D मॉडल, ऐसा स्कल्पचर बनाया, बहुत सुंदर सा ऐसा एक बड़ी सी ऐसी ऐसा स्कल्पचर बनाया। फिर आप उसको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, हर एक एंगल से उसको 3D वर्ल्ड में आप उसको देख सकते हैं, राइट? फिर मुझको लगा यार बस यही नहीं रुकना चाहिए, और मैं क्या किया, इसी सारी उसकी जो सारी मूर्तियां थी, स्कल्पचर्स थे, ऐसा
पूरा ऐसा मंदिर क्रिएट किया जो होती है आर्किटेक्चर की कला, राइट। और एंड में जब आपको फील हुआ कि जो मैंने इमेजिन किया था, जो मैंने फील किया था, तो वो सबसे एंड वाली कला होती है, जो फील कराना, राइट, ये होती है सबसे आखिरी वाली कला। तो ये कला के अलग अलग रास्ते हैं, ये इसको ललित कला कहते हैं बेसिकली, बट ये कला के अलग अलग रास्ते हैं जिसको आर्टिस्ट और जो कला रसिक है, मतलब जो आर्ट जो एक्सपीरियंस करने वाला है, उन दोनों को भी एक अलग लेवल का एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक अलग लेवल की एक आनंद मिलता है, उसको ही हम ललित कला कहते हैं। आई होप आपको इस उदाहरण के तौर पे बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो ये सारी इमेजिनेशन या फिर ये जो कला है, इसकी निर्मिति कैसे हुई, ये है इनपुट। मतलब क्या है, आपके अंदर क्या जा रहा है, जैसे कि आप कोई भी चीज एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपीरियंस चाहे वो आप देखते हो, सुनते हो, फील करते हो, जो भी चीज है, नॉलेज गेन करते हो, इंफॉर्मेशन आपके अंदर लेते हो, है ना, वो सारी चीज है इनपुट, वो सारी इनपुट में आती है। देन उसके बाद आपके मन में, आपके ब्रेन में उसका एक प्रोसेस होता है, आपके ख्याल उसमें मिक्स हो जाते हैं, आपकी भावनाएं उसके उसके ऊपर रिएक्ट हो जाती है, उस एक्सपीरियंस के ऊपर, राइट। ये होता है प्रोसेस, आपके मन में, आपके दिमाग में ये सारा प्रोसेस होने लगता है, और जो आपके अंदर से बाहर आया है, आप जो भी प्रोसेस होके जो चीज बाहर आई है ना, उसको बोलते हैं आर्ट, मतलब वो होती है एक्सप्रेशन, उसको ही कला बोलते हैं। मतलब कला कोई दूसरों से छीनने वाली चीज नहीं होती, वो खुद से ही अंदर से आने वाली चीज होती है, उसको हम प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, वही चीज होती है कला। मतलब कला एक यूनिकनेस होती है, एक अलग होती है, जो कॉपी नहीं होती है, राइट। मतलब एक एक्सपीरियंस जो आपके अंदर आया है, उसमें प्रोसेस हुआ है, और उससे ही जो अंदर से बाहर आया है वो होती है आर्ट।